नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज वीडियो में आप सबको सिखाता हूँ और बताता हूँ कि लैपटॉप में, कंप्यूटर में किसी फोल्डर के ऊपर कैसे पासवर्ड सेट करते हैं, कैसे उसको सिक्योर करते हैं। आपको आता है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आता है, पूरा वीडियो के एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके लाइफ में काम आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। देखिए दोस्तों, ये लैपटॉप है और लैपटॉप में बहुत सारे फोल्डर हम डेस्कटॉप के ऊपर किसी ड्राइव के अंदर बना के रखे रहते हैं। तो हमारे घर में हमारे लैपटॉप को हमारे अलावा कोई और छूता है, मान लीजिए बच्चे छूते हैं, कोई बड़े छूते हैं, तो हो सके हमारे लैपटॉप में कुछ फाइल हो, कुछ फोटो हो, बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम चाहते हैं कि अन्य लोग न छुपाएं, तो हम उस पर पासवर्ड डालते हैं। तो आज बताते हैं कैसे फोल्डर के ऊपर पासवर्ड डालते हैं, कैसे सिक्योर कर सकते हैं, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन चलता हूँ आपको लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर वन बाय वन के पूरा बताता हूँ। पूरा वीडियो देखिए आपके काम आएगा। हाँ, चैनल पहली बार आया हुआ है, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जब भी कोई नया वीडियो बनेगा तो आपके पास पहुंच जाता है। तो आपको लेके चलता हूं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर वन बाय वन करके आपको सिखाता हूं दोस्तों। तो हम आ गए अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और हमारे इस लैपटॉप के अंदर विंडो 11 लोडेड है। आपके इस कंप्यूटर अगर है सब भी ठीक है तो विंडो 10 लोडेड हो, विंडो 11 लोडेड हो, तो हम पासवर्ड डाल सकते हैं। तो देखिए, इतने सारे हमारे जो है फोल्डर ऑलरेडी डेस्कटॉप पे रखे हुए हैं। अब बताता हूँ कहाँ पे कैसे सिक्योर करते हैं सारी चीज़ें। तो हम डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम गए यहाँ पर और जा करके न्यू पे आते हैं, विंडो 11 है ये, और यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, इस फोल्डर का रीनेम करके हम नाम लिख देते हैं RAJU, राजू लिख दिया हमने फोल्डर का, ठीक है, नाम राजू लिख दिया, फोल्डर लिख दिया हुआ। इसके अंदर कुछ हम फाइल सेव कर लेते, खाली अभी है राजू फोल्डर जो है। मान लीजिए मेरे कुछ फाइल पड़े हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट फाइल है, ये हम इसको लेके लेते हैं यहाँ से। ये हो गया, जैसे कुछ फाइल है ये हो गया, उसके बाद हम उठा के इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। राइट क्लिक किया हमने, यहाँ कैंची बना हुआ, कट कर लेते हैं यहाँ से और ला के राजू के इस फोल्डर में हम इसको ला के कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ से गायब हो चुका। अभी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फाइल है, हम चाहते हैं कि इसको जो है कोई और, जैसे मान ली कुछ फोटो भी अगर है तो इसको भी हम ले आते हैं, ठीक है, यहाँ भी ला देते हैं, कुछ ये फाइल है, इस सबको ला करके यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं। करने बाद में देखिए ये सारी जो फाइलें हैं ना, ये हमारे आ चुकी है फोल्डर राजू फोल्डर के अंदर। ये अब मैं चाहता हूँ चाहे डेस्कटॉप पे हो चाहे किसी ड्राइव के अंदर हो, अब इसको हम सिक्योर करना चाहते हैं, मतलब अनजान आदमी कोई आए तो हमारे इस फाइल को फोल्डर खोल ना पावे। खोलने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका जो ये यूज़र है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र मतलब कि अकाउंट जो है यूज़र अकाउंट न रहे। उसको चेक करने के लिए देखिए विंडो 11 में क्या करते हैं, यहाँ कि यहाँ स्टार्टअप पर लिखा हुआ है, स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने बाद में देखिए मेरे इस कंप्यूटर का नाम लिख के आ रहा है जोगेंद्र, लिख रहा है यहाँ पे जोगेंद्र, आप में कुछ भी लिख कर आ रहा है, ABC लिख के आ रहा हो, HP लिख के आ रहा हो, इस पर आप सिंपल यहाँ जहाँ हमारा कर्सर है यहाँ क्लिक कर लीजिए। क्लिक करेंगे तो चेंज अकाउंट सेटिंग पे आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में एक नया खुल के आ जाएगा, देखिए ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जोगेंद्र मेरा नाम हो गया और आप में कुछ भी नाम आ रहा होगा वो हो गया। उसके बाद दिया हुआ एडमिनिस्ट्रेटर, दिख रहा है ना, एडमिनिस्ट्रेटर लिख के आ रहा है यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटर लिख के आ रहा है। तो अब ये चेक करना है इसी में लगेगा पासवर्ड, तो हम इसको बंद कर ले कोने से, एडमिनिस्ट्रेटर लिख कर आ रहा है यहाँ पर। आप सिंपल देखिए इस पर राइट क्लिक करेंगे राजू फोल्डर के ऊपर, इस पर हमको सिक्योर करना है तो इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे हम और इसमें आएंगे, नीचे जो है सो मोर ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, आप सीधे प्रॉपर्टी में आ जाइए। आप देखिए इसके राजू के प्रॉपर्टी में आइए, प्रॉपर्टी में आएंगे और उसके बाद देखिए इतने सारे चीज़ें खुल के आ गई हैं, जनरल शेयरिंग सिक्योरिटी, यहाँ सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे। सिक्योरिटी क्लिक करने के बाद देखिए दिया हुआ सिस्टम दिया हुआ है, जोगेंद्र दिया हुआ है, तो मैंने बोला एडमिनिस्ट्रेटर ना, एडमिनिस्ट्रेटर दिया हुआ है नीचे, एडमिनिस्ट्रेटर दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर, तो फिर ये आ जाएगा एडिट का ऑप्शन, एडिट पर क्लिक कर लिए। फिर देखिए ये एडमिनिस्ट्रेटर में जितनी चीज़ें हैं फुल कंट्रोल है, फुल कंट्रोल है, मॉडिफाई है, रीड सारी चीज़ें टिक मार दिया, अलाउ किया हुआ है, हम इसको जो है डिनाई करने वाले हैं। एडमिट क्लिक करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे एडिट के ऊपर, एडिट पर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे जो है आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर, दिख रहा है ना नीचे, एडमिनिस्ट्रेटर करना है और उसके बाद ये डिनाई दिया, वो डिनाई इसके ऊपर क्लिक कर देना है, आपको डिनाई पर क्लिक कर देना और फिर डिनाई हो जाएगा। देखिए अलाउ पे अनटिक हो चुका, मतलब कि डिहाइलाइटेड हो चुका है और इसके ऊपर देखिए डिनाई के ऊपर ये हो चुका है। अब इसको हम करते हैं अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं, अब पूछ रहा है यू आर सेटिंग ए डिनाई परमिशन एंट्री, मतलब कोई भी आदमी इसको खोलेगा तो ये डिनाई कर देगा, खुलेगा नहीं, डिनाई एंट्री, चेक प्रोसीड ओवर स्लो एंट्री, मतलब ये सारी चीजें। अगर वीडियो है तो टाइम लगाएगा, अगर ऐसी फाइल है जल्दी जल्दी हो जाएगा, दिस मीन्स योर यूजर मेंबर ऑफ द टू ग्रुप वन नॉट अलाउ, मतलब सिंपल है, घर की यूज के लिए सेफ है ये, इसको आप येस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर दिया इसके ऊपर और यहाँ से अप्लाई पे क्लिक, ओके पे क्लिक कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, फिर उसको ओके कर देते हैं, ठीक है, ये हो चुका है। अब एक दिन बाद आगे खोलते हैं या सेम खोलते हैं, फिर हम राजू फोल्डर जो दिया हुआ इसको हम खोल लेते हैं। ये बोला है यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर, दिख रहा है ना, क्लिक कंटिन्यू टू परमानेंटली गेट एक्सेस टू द फोल्डर,
क्लिक कंटिन्यू टू परमिट टू गेट एक्सेस टू द फोल्डर, इस पर क्लिक किया हमने करके बता रहा था फोल्डर डिनाइड परमिशन यू एक्सेस फोल्डर, मतलब आप इसको नहीं खोल सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए, अब ये फाइल आपको खुलेगा नहीं फोल्डर, मतलब आपका ये फाइल राजू जो है सिक्योर एकदम है। इसको अगर हम चाहते हैं बंद करके कंप्यूटर को, मान लीजिए एक दिन बाद हम खोलते हैं एक बार बंद कर चेक कर लेंगे तब भी देखेंगे, तो ये जो प्रॉब्लम आपका आ रहा है ये प्रॉब्लम ऐसे ही आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है, मतलब आपने इसको सिक्योर कर दिया, ये हो चुका है। आप चाहते हैं दोबारा आपका फाइल जो है खुल जाए तो कैसे खुलेगा, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे आप, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने बाद में फिर आएंगे इसके हम प्रॉपर्टीज के ऊपर, प्रॉपर्टीज पर आ जाएंगे और उसके बाद देखिए दिया है सिक्योरिटी दिया हुआ, यहाँ क्लिक करेंगे, फिर हम आएंगे एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर, यहाँ आएंगे एडमिनिस्ट्रेटर दिया हुआ, डिनाई दिया हुआ है, एडिट पर क्लिक करेंगे, फिर एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट करेंगे हम, और उसके बाद दिया हुआ है ये डिनाइबल हटा के इसको हम अलाउ पे क्लिक कर दें, इसको कर देते रिमूव कर दीजिए, ठीक है। और उसके हम टिक ऑलरेडी दिया हुआ, टिक दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है, रिमूव कर दिया, अप्लाई करते हैं, फिर हम ओके करते हैं, फिर हम ओके करते हैं यहाँ से, और फिर उसके बाद जाके राजू वाले फोल्डर को दुआ क्लिक करते हैं, तो देखिए जो फाइलें हमारी थी सारी चीज़ें खुलना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। कितना ईजी तरीके से आप अपने चीज़ों को जो है सेव कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, और इसमें कोई वीडियो हो कोई ऑडियो फाइल है तो ये भी आप काम करने की चाहें तो आप सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे ये फोल्डर है, ये चाहते हैं ये वाला फाइल जो है, ये वाला फाइल इसके ऊपर आप पासवर्ड डालना चाहते हैं पासवर्ड पूरे फोल्डर के ऊपर, तो ये भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका ये राजू फोल्डर बहुत सिक्योर है, तो एक सॉफ्टवेयर आता है विनार, WINRAR, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, वरना हमारे इस कंप्यूटर पहले से ही विनार जो सॉफ्टवेयर है वो लोडेड है ये। तो देखिए ये हमारे पास विनार लोडेड है, तो हम क्या करेंगे, राजू जो फोल्डर है ना, ये राजू फोल्डर, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे हम, राइट क्लिक करने बाद में देखिए दिया हुआ है विनार, WINRAR, गूगल से आप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है ये, इस पर क्लिक करेंगे और एड टू आर्चिव दिया, इस पर क्लिक करिए आप, क्लिक करने बाद में यहाँ पे देखिए ये राजू RAR लिख के आ गया, लिख के आ रहा है RAR। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप देखिए दिया हुआ है सेट पासवर्ड, हम इस पे फोल्डर पे पासवर्ड डाल देते हैं, सेट पासवर्ड कर दिया हम, सिंपल पासवर्ड 1 2 3 4 5 डाल दिया हमने, फिर हमने ओके कर दिया, ओके करने बाद में फिर हमने इसको ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब ये देखिए देखिए राजू एक फोल्डर बना हुआ था हमारा, ये बना हुआ था, उसके बाद एक राजू फोल्डर हमारा यहाँ विनार बन गया है, तो क्या करेंगे, तो ये वाला राजू फोल्डर पड़ा हुआ है इसको हम चाहें तो यहाँ से डिलीट कर देते हैं, डिलीट करके परमानेंटली इसको हम डिलीट कर दिए यहाँ से, ये हमारा फाइल डिलीट हो गया राजू। अब ये देखिए राजू नाम का जो फोल्डर WI विनार बना हुआ, इसको क्लिक करेंगे आप, है क्लिक करने बाद में राजू फोल्डर है, इस पर क्लिक करेंगे, ये हम खोल रहे हैं, देखिए मांग रहा है पासवर्ड, मांग रहा है एंटर पासवर्ड, नहीं खुल रहा ना, देखिए नहीं मिल रहा पासवर्ड, मांग रहा है ये, देखिए खोलने के लिए पासवर्ड मांग रहा है, नहीं पासवर्ड मांग रहा है ये। तो अब खोलने के लिए हमको क्या पासवर्ड डाला हमने है, 1 2 3 4 5, अगर डालेंगे पासवर्ड तो सही खुल जाएगा, देखिए फाइल हमारा खुल गया, क्लियर है ना। अगर हम पासवर्ड जो डाले हुए हैं मान लीजिए खोल के हम कुछ भी डाल देते हैं और उसको ओके करते हैं, तो फिर हमारा ये फाइल नहीं खुलेगा, इनकरेक्ट पासवर्ड बता रहा है। कितना सिंपल है कि आप अपने लैपटॉप के फोल्डर के अंदर जो है सिक्योरिटी लगा सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं, या अनजान आदमी है तो उसके सामने जो है आप डिनाइबल ऑप्शन लगा सकते हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था विंडो 11 के अंदर, अगर आपका विंडो 10 भी है तो आप इसको कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप कर सकते हैं, समझ गए। विनार सॉफ्टवेयर है ये, मिल जाता है इंटरनेट से डाउनलोड कर ले आपको, तो इंटरनेट से मिल जाएगा, उसके माध्यम से, ठीक है दोस्तों। तो आपने देख लिया कि किसी भी फोल्डर को कैसे सिक्योर किया जाता है, किसी फोल्डर को कैसे पासवर्ड डाल सकते हैं जिसका मिसयूज ना हो सके। दोस्तों वीडियो कुछ सीखे हो तो प्लीज इसको आप लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताए आपके लिए क्या अच्छा वीडियो बना सकते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं वो चाहते हैं इस तरह काम करना, हो सके वीडियो देखने बाद में वो भी यूज़ कर इस तरीके को। दोस्तों चलिए आप सब लोगों को नमस्ते दोस्तों।